क्या बता रहे मौसम? जी देखिए, आज से 40 डेज जुलाई क्लान यानी हार्शेस्ट पार्ट ऑफ द विंटर शुरू हो चुका है। आज विंटर सोलिस्टिस का बिगिनिंग है, तो विंटर सोलिस्टिस में दिन लंबा हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आज से। तो अब अभी तक दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिफिसिट स्नोफॉल रिकॉर्ड किया। स्नोफॉल कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अराउंड 60 से 70% डिफिसिट स्नोफॉल हुआ है, कम हुआ है। तो अभी अभी भी वैसे कोई फोरकास्ट भी नहीं है। 26 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहेगा। कल से मौसम तो उबर आलूद रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्लाउडी रहेगा, पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहेगा। 23 और 24 के दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की से बर्फबारी भी होने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में कोई ऐसे फोरकास्ट पेशनगोई नहीं है, तो जिसकी वजह से कल यानी 23, 24 और 25, 26 के दौरान दिन के दर्जा हरारत में तो दिन में मतलब 5-6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे, और मिनिमम टेम्परेचर रात के जो कम से कम दर्जा हरारत है इसमें इजाफा हुआ भी है, और भी 1-2 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। यानी कि अभी कोल्ड वेव जो ठंड था वो अभी वेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर में टेम्परेचर -3 और -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। 27 और 28 के दरमियान अभी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 27-28 को फिर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करने का इम्कान है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में 27-28 को पहाड़ी इलाकों में देखिए, अभी वैसे भी अभी आप खुद देख सकते हैं यहाँ से क्लाउडी हो चुका है। अभी आने वाले ये जो WD अप्रोच कर रहा है, तो 26-27 को थोड़ा पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फ़ भी होने का इम्कान है। लेकिन आज अभी तक तो देखिए, आप खुद वैली भी देख सकते हैं, वादी कश्मीर अमूमन ठीक है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई आज मौसम ठीक है, तो ऐसे रहेगा। 27-28 को मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल हो जाएंगे, लेकिन ये भी आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज भी हो सकते हैं। अब पहले का जो हमारा फोरकास्ट था 23 से 26 वाइस क्रिसमस का, अभी सिस्टम वीकेंड हो गया, जिसकी वजह से नाउ वी डोंट एक्सपेक्ट कि अभी हम अभी द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। कंडीशन नहीं है कि बर्फ़ हो, 25, 23, 24, 25 को कोई मौसम खास बर्फबारी होने का इम्कान नहीं है। अभी 27-28 को बर्फ़ होने का इम्कान है, तो अभी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जब ऐसे सिचुएशन बनता है तो लोगों को हम टाइमली एडवाइजरी जारी करेंगे। ठंड में कमी आ सकती है जी 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 रात जी की ठंड में क्या हो सकता रात है? के ठंड में जो मिनिमम टेम्परेचर अभी जैसे ऑलरेडी राइस हुआ है कल से, और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा यानी कम नहीं होगा। कहने का मतलब है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स नाइट वी आर एक्सपेक्टिंग वार्मर नाइट, नाइट थोड़ा गर्म रहेगा और दिन में का टेम्परेचर में थोड़ा क्लाउडी होने की वजह से थोड़ा ठंड रहने का इम्कान है आज के मुकाबले में। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.